विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। देवी दुर्गा मां समर्थानी, देवी दुर्गा, आज आपने दुर्गा मासुर का वध कर पुनः प्रमाणित कर दिया कि चकर चंदी अपने संतानों के हित के लिए सदैव सजग रहती है। आपकी प्रत्येक लीला संसार के कल्याण के लिए ही होती है। काशी में अनेकों वर्षों तक बिना पल के झपकाए आपने मेरी प्रतीक्षा की, विशालाक्षी बनी। यदि आप ऐसा ना करती तो दुर्गमासुर का वध दुर्गम हो जाता, किंतु प्रिय अब आपकी संतानें पुनः सुरक्षित हैं, इसलिए अब आपके कैलाश लौटने का समय आ गया है। अंततः इन दुष्ट असुरों के अंत के उपरांत माँ अपने मूल रूप में प्रकट हुई हैं, अर्थात अब ब्रह्मांड में सर्वत्र शांति स्थापित होगी और मुझे कैलाश में माँ के हाथों के मोदक खाने का सुख प्राप्त होगा भैया। अच्छा गणेश, असुरों की चिंता दूर होते ही तुम भोजन की चिंता में पड़ गए। चिंता तो होगी ना भैया, किंतु किंतु इस चिंता में इस बार मैं भी डूबा हुआ हूँ गणेश। मुझे भी माँ के हाथों के पकवान खाने की अत्यधिक लालसा हो रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल कैलाश लौटते ही माँ हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी। ओह, तब तो बहुत आनंद आएगा भैया। और वैसे भी गणेश, कल तो माता का जन्म दिवस भी है। कल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और मृगशिरा नक्षत्र है। इसी तिथि की मध्य रात्रि में ही तो माँ ने जन्म लिया था। तब तो कल माँ के जन्म दिवस के उपलक्ष में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन करेंगे हम भैया। भैया, अब तो मेरी इच्छा हो रही है कि हम भोर होने से पूर्व ही कैलाश पहुँच जाएं। संसार में अपना गृह, अपना निवास ही वो स्थान है जहाँ पहुंचकर सर्वाधिक सुख का अनुभव होता है। उस असुर के वध के समय माँ के मुख पर जितना क्रोध था, अब यहाँ कैलाश लौटकर उतनी ही आनंदित प्रतीत हो रही है वो। हाँ गणेश, और जब हम उन्हें उनके जन्म दिवस की बधाई देंगे तब तो और भी प्रसन्न हो उठेंगी माँ। किंतु भैया, आपसे पूर्व बधाई मैं दूंगा उन्हें। नहीं नहीं गणेश, बधाई माँ को तुमसे पूर्व तो मैं ही दूंगा। माता, माता आ गई, माता आ गई। माँ, माँ, मुझे कुछ अत्यंत विशेष बात करनी है आपसे। माँ, आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि वो तो उससे भी अधिक विशेष है। माँ क्या पुनः क्रोधित हो रही हैं? किंतु इसका क्या कारण हो सकता है गणेश? क्या पुनः किसी असुर से उत्पन्न संकट का आभास हो रहा है उन्हें? क्या हुआ मां? वही जो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ होता। यहाँ की व्यवस्था कितनी बिगड़ गई।
ये क्या कह रही है माँ? यदि भवन की ऐसी अवस्था है तो स्वामी के ध्यान का स्थल किस दशा में होगा? इतने बड़े युद्ध में इतने शक्तिशाली असुर का वध करने के उपरांत अब अपने योद्धा रूप को त्याग एक कुशल गृहिणी का रूप धारण कर लिया है माता ने, और अब यहाँ की छोटी से छोटी अव्यवस्था भी उन्हें स्वीकार नहीं होगी भैया। मेरा अनुमान उचित था, यहाँ तो कोई स्वच्छता नहीं, सब कुछ कैसा बिखरा पड़ा है। हाँ, स्वामी अपना ध्यान कैसे करेंगे? माता, हमने तो प्रभु के ध्यान स्थल को स्वच्छ करने का बहुत प्रयास किया था, किंतु हम आपके समान स्वच्छता कहाँ कर सकते हैं? और ये देखिए ना माता, आज के दिवस ही हमने इस स्थान को 3-3 बार स्वच्छ किया है। देखिए, देखिए ना माता, देखिए, देखिए, देखिए ना माता, देखिए ना। हाँ, वो तो मैं स्पष्ट देख ही सकती। मेरा विश्वास कीजिए माता, हमने आपके आदेश के अनुसार प्रभु के इस ध्यान स्थल को प्रत्येक दिवस एक एक पहर ध्यान से बुहारा है, तभी तो यहाँ इतनी स्वच्छता है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही, वो सूखे पत्ते का ढेर, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और ये सूखी टहनियाँ, ये सूखे फूल, वाह। माता, अवश्य ही यहाँ ना पिछले पहर ही आंधी आई होगी, इसीलिए ये सब। कोई बात नहीं नंदी जी, अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं सब संभाल लूं। आप रहने दीजिए ना माँ, हम ये कर देंगे। हाँ माँ, आप जाकर विश्राम कीजिए ना, ये कार्य तो हम भी कर सकते हैं। अब मेरा आदेश ध्यान से सुन, जब तक मैं स्वामी का ध्यान स्थल स्वच्छ नहीं कर देती, मेरे कार्य में कोई बाधा नहीं डालेगा। जाओ और जाकर एक सिरे से खड़े हो जाओ पुत्र, जाओ। देवी जिसने चंड मुंड दाना संहारे, नारी बन के आज स्वयं घर को भी संवारे। घर में वही शिव सेविका भी बन जाए, आंचल से अपने माँ आसन को पोछे, प्रेम और श्रद्धा से प्रभु को बिठाए। का ये गृहिणी रूप देखकर ये कौन कह सकता है कि ये वही माँ दुर्गा भवानी है जो बड़े बड़े महाअसुरों का संहार करती है, जो कुपित होती है तो दानव दलों पर टूट पड़ती है,
रण क्षेत्र में अधर्मियों का नाश कर देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने सौम्य रूप में एक कुशल गृहिणी बनकर परिवार के सभी जनों का ध्यान भी रखती हैं। अब एक ही स्थान पर ऐसे क्यों जड़ गए हो तुम दोनों? जाओ, जाकर शीघ्र तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम दोनों के प्रिय पकवान बनाने जा रही। कैलाश लौटते ही बिना एक क्षण विश्राम किए तुमने एक माँ और पत्नी का भी दायित्व संभाल लिया। उमा, तुम्हारी प्रतीक्षा केवल मुझे ही नहीं इस कैलाश को भी थी। तुम्हारा पुनः कैलाश में स्वागत है उमा। स्वामी, देवी पार्वती अपने गृहिणी रूप में उतनी ही समर्थ और कुशल है जितनी योद्धा रूप में। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बहन किसकी है। तो अपनी बहन को उनके जन्म दिवस की बधाई देना ना भूलिएगा। मैं और देवी सरस्वती वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यदि हम उनकी श्रृंगार करने में सहायता नहीं करेंगे तो वो इसी प्रकार संपूर्ण दिवस गृहिणी का दायित्व निभाने में व्यस्त रहेंगी। जाने दीजिए ना भैया, मैं छोटा हूँ ना आपसे। हाँ हाँ अनुज गणेश, मैं बड़ा हूँ तो ये अधिकार भी मेरा है। क्या हुआ अनुज गणेश? हाँ, आप बड़े हैं इसलिए आपका आदेश नहीं टाल सकता मैं। मुझे माँ को सर्वप्रथम बधाई देने की इच्छा तो बहुत थी, किंतु आप ही जाइए भैया, आपका अनुज गणेश पीछे ही रहेगा। ठीक है अनुज गणेश, जाओ माँ को जाकर सर्वप्रथम तुम ही बधाई दे दो, जाओ। क्यों ना ऐसा करें भैया कि हम दोनों एक साथ चलकर माँ को बधाई दें? ये भी उचित है, चलो फिर। माँ तो यहाँ स्थित होकर भी पिताश्री की सेवा का ही विचार कर रही हैं भैया। पुत्र। माँ, आप इतनी चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कुछ भूल गई? एक बहुत बड़ी बात भूल रही हैं आप। क्या? यही माँ कि आज आपका जन्मदिवस है। किंतु हम नहीं भूले माँ, हमें याद था और इसीलिए हमने आपकी सर्वाधिक प्रिय गुड़ की खीर बनाई है। जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो माँ। मेरी ओर से भी आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई माँ। माँ का ध्यान फिर कहीं भटक गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बुआ जी और मामी जी भी माँ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आ गईं। अब उनका साथ पाकर माँ अवश्य आनंदित होंगी। प्रणाम महादेव। माँ का ध्यान तो पिताश्री में ही लगा रहता है, किंतु बुआ जी माता सरस्वती और मामी जी माता लक्ष्मी भी
माँ को बधाई देने की पूर्व पिताश्री को प्रणाम करने चली गई, जबकि वो तो अभी भी ध्यानस्थ है। अर्थात माताएं भी पिताश्री को ही अधिक महत्व दे रही हैं। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम मामी जी। कल्याण हो पुत्र। पधारिए देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती। हे, इतना सब कुछ क्या ले आए आप दोनों? देवी पार्वती, आज आपका जन्म दिवस है तो हम दोनों उपहार के बिना कैसे आ सकती थी। मैं आपके लिए कुछ आभूषण लेकर आई हूँ। और मैं वस्त्र। आपके इन उपहारों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप गृहस्थी के कार्यों से स्वयं को मुक्त कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि शीघ्र आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए अतिथिगण आते ही होंगे। इसलिए आज आपका श्रृंगार हम दोनों करेंगी। किंतु माँ, उसके पूर्व खीर का तो स्वाद ले लीजिए। ये तो आपको अत्यंत प्रिय है ना? माँ का ध्यान तो अभी भी कहीं और है। ये क्या, माँ अचानक इतनी विचलित होकर क्यों चली गई? मेरा अनुमान उचित ही था। महादेव को आज मैंने कनेर के फूल तो अर्पित किए ही नहीं थे। कनेर के ये पुष्प स्वीकार कीजिए स्वामी। देवी पार्वती के लिए तो महादेव की पूजा ही सर्वोपरि है। उन्हें एक पुष्प समर्पित करना क्या भूल गई वो? ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं ही मुरझा गई हूँ। पिताश्री के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है माँ, उनका कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ती। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, इस प्रकार अचानक चले जाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। वास्तव में स्वामी को धतूरे, अलसी, चमेली, हरसिंगा, बेल के साथ कनेर के पुष्प भी अति प्रिय हैं, जो मैं भूल गई थी, इसीलिए अब वहीं उनके निकट रखने गई थी। माँ, खीर। बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत आनंद आया पुत्रों। आपके इतने उपहार पाकर भी मैं अत्यंत प्रसन्न, किंतु अब मुझे पुनः अपने कार्य पूर्ण करने जाना होगा। प्रभु के लिए चूही के पुष्प और शमी के पत्रों की माला बनानी, उन्हें समर्पित करनी। अब गृह के शेष कार्य आप बाद में कीजिएगा। वैसे भी ये पुष्प की माला तो प्रभु आपको भेंट करेंगे, क्योंकि आज आपका जन्म दिवस जो है। बस एक माला बनाने भर का अवकाश दे दीजिए। स्वामी का ध्यान पूर्ण होते ही उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। ये माला तो मैं बना दूंगा माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए और तैयार हो जाइए, आज आपका जन्म दिवस है ना। मुझे तुम दोनों के लिए भोजन भी तो तैयार करना है। माँ, आपके लिए खीर बनाते बनाते हम इतनी खीर का स्वाद ले चुके हैं कि हमारा उदर तो पूर्व में ही भर चुका है।
हाँ माँ। बेलपत्र भी एकत्रित करने हैं मुझे। वो मैं कर दूंगा माँ। हाँ पर, किंतु परंतु कुछ नहीं, बस आप चलिए चलिए। अब किस विचार में डूब गए अनुज गणेश? शीघ्र ही अतिथि यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके पूर्व हमें कैलाश की सज्जा भी तो करनी है। भैया आप चलिए, मैं शीघ्र ही ये माला बनाकर आता हूँ। माँ इतनी शक्ति संपन्न होकर भी पिताश्री के प्रति एक छोटी सी भूल सुधारने, उन्हें एक पुष्प देने के लिए इतनी विचलित क्यों हो गई कि बुआ जी और मामी जी को छोड़कर पिताश्री के निकट भागी चली गई। माँ आदि शक्ति है वो, फिर भी पिताश्री को लेकर वो एक साधारण गृहिणी का ही आचरण क्यों करती है? के पूर्व यहाँ सभी कार्य संपन्न हो जाने चाहिए, अन्यथा वो स्वयं इसी कार्य में लग जाएंगी। सभी कार्य उचित प्रकार से करो। प्रणाम गणेश जी। ओ नंदी जी प्रणाम। अरे ये क्या कर रहे हैं नंदी जी, मार्ग दीजिए, मुझे अतिथियों के लिए लड्डू बाहर रखने हैं। अरे अरे नंदी जी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं नंदी जी, मुझे विलंब हो जाएगा, सब अतिथि पहुंचते ही होंगे और माँ भी तैयार होकर आती होंगी। लीजिए हो गया कल्याण, किंतु अब मैं ना दीपक गिरने दूंगा ना लड्डू, अन्यथा माँ के यहाँ आने के पूर्व सभी कार्य संपन्न नहीं हो सकेंगे। नहीं नंदी जी, आप वहाँ से मत हिलिए, मुझे इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने दीजिए। माँ के जन्म दिवस पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आज माँ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कई अतिथिगण कैलाश की ओर आते होंगे।
इतना ही चाहता हूँ कि जैसे ही माँ तैयार होकर बाहर आए, सभी माँ को बधाई देने के लिए माँ के द्वार पर पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं और माँ को ढेर सारी बधाइयाँ दें। ये क्या, सभी देवगण भी माँ के जन्म दिवस पर भी सर्वप्रथम उन्हें बधाई देने के स्थान पर पिताश्री को ही प्रणाम करने के लिए पंक्ति में करबद्ध होकर खड़े हैं। पिताश्री जगत पिता है, देवेश्वर है, महादेव है, किंतु माँ भी तो जगत जननी देवी आदिशक्ति है। तो फिर सभी पिताश्री को उनसे अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? और माँ वो भी पिताश्री की सेवा और पूजा को ही सर्वोपरि मानती है। दुर्गमासुर के वध के पूर्व भी उन्होंने 3 दिवसों के लिए पिताश्री की पूजा का प्रण लिया था। माँ संसार को अनेक विकट संकटों से रक्षित कर उसे संभालती है और पिताश्री तो अधिक समय ध्यानस्थी रहते हैं। फिर भी माँ एवं अन्य सभी पिताश्री को ही सर्वोच्च मानते हैं। जिस प्रकार सर्वप्रथम मेरी पूजा होने के पीछे एक कारण है, उसी प्रकार पिताश्री प्रभु महादेव के भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का भी कोई ना कोई कारण तो अवश्य ही होगा। भैया भैया। नहीं नहीं अनुज गणेश, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखो अनुज गणेश, चाहे जो भी हो, माँ को पिताश्री की पूजा के लिए ये बेल पत्र तो मैं ही जाकर दूंगा, तुम कोई अन्य सेवा सोच लो। आपसे सेवा का अधिकार लेने नहीं आया हूँ मैं भैया, मैं तो बस अपनी किसी जिज्ञासा को शांत करने आया हूँ, है ना? तो पूछो अनुज गणेश, क्योंकि तुम्हारी प्रत्येक उलझन को सुलझाने में मैं तुम्हारा अग्रज ही तो तुम्हारा सहायक बनता हूँ। नहीं, संकोच मत करो अनुज गणेश, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? भैया, पिताश्री तो अधिक समय ध्यान में ही लीन रहते हैं। संसार की रचना हो अथवा दुष्टों का संहार, उनकी अपेक्षा इसमें माँ का ही योगदान अधिक प्रतीत होता है। और मामा जी श्री हरि नारायण सृष्टि के पालनहार, फूफा जी ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजन करता है। फिर भी सभी पिताश्री को ही सर्वोच्च स्थान पर क्यों रखते हैं भैया? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मा। आज तो बड़ी अभूतपूर्व जिज्ञासा जागृत हुई तुम्हारे भीतर अनुज गणेश, किंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये जिज्ञासा भी मैं शांत करूंगा। अनुज गणेश, पिताश्री एक ही स्थान पर ध्यान में स्थित अवश्य दिखाई प्रतीत होते हैं, किंतु वहीं स्थित रहकर भी संसार के समस्त क्रियाकलापों के संचालक वही हैं। संसार के इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें महाशिव तत्व को समझना होगा अनुज गणेश। जब भी कैलाश में कोई उत्सव का क्षण आया है, कोई ना कोई संकट सदा ही उत्पन्न हुआ है। मेरे नामकरण के समय जो विघ्न मायावी रूप धर कर आया था, वो था दुष्ट सिंदूरा। माँ पिताश्री के पुनर्विवाह के समय भी विघ्न आया। उस शुभ घड़ी में जो दुष्ट कैलाश में अपना अधिकार स्थापित करने आया, वो था दम्भासुर। तो क्या इस बार भी कोई मात्र पिताश्री के दर्शन करने नहीं, अपितु सृष्टि के लिए संकट बनने आ रहा है? वह शर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रह सह महा यद्विधानाष्टकमिदं
अनुष्मिन प्रत्येकम् प्रविचरति देवश्रुतिरपि मे प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते मर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं ततोऽस्तु नः शिवा शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। संस्कृत के एक श्लोक के अनुसार जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी विचरण करते हैं, इसलिए हमें सदा नारी का आदर करना चाहिए।